أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. कैसे हैं आप लोग? मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे. और आज का टॉपिक जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर. और उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर तो उसके बाद अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक सिमेट्रिकल जो है सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस ऑफ अननोन कॉज. ठीक है, इसका कोई कॉज नहीं होता एंड इज़ करेक्टराइज बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिनोवाइटिस ऑफ मेनली पेरिफेरल जॉइंट्स अलॉन्ग विद सिस्टम डिस्टर्बेंसेस एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स. अच्छा, कोर्स ऑफ डिजीज इज प्रोलॉन्ग. इस डिजीज का कोर्स जो है वो प्रोलॉन्ग होता है. अब इसकी कॉजेज क्या हो जाते हैं, एटियोलॉजी क्या होती है? नॉर्मली जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो है कोई कॉमन कॉज नहीं है या अननोन है, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, फिर फीमेल जेंडर और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो है ये पॉसिबली जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सिम्टम्स पे. सिम्टम्स है जॉइंट पेन, वर्स्ट ऑन वॉकिंग. अच्छा, जॉइंट पेन जो होता है वो वॉक करने से बढ़ जाता है. और उसके बाद एंड इम्प्रूव्स प्रोग्रेसिवली विद एक्टिविटी. जैसे जैसे वो वॉक करता रहता है, शुरू में उसका दर्द बढ़ता है और जैसे जैसे वो वॉक करता रहता है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है. अच्छा, जब देर इज़ अ पेन इन नाइट ड्यूरिंग द स्लीप, जब भी वो रात को सोता है तो उसको शदीद दर्द का एहसास होता है. मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है कि उसको उल्टी जैसा या मतली जैसा महसूस होता है जो एक दो घंटे के लिए रहता है. ठीक है, एंड देन सबसाइड्स, और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है. इट्स ड्यूरेशन इज़ अ यूज़फुल इंडिकेटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिजीज. इट इज़ ऑफ इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज है ये. जनरल सिम्टम्स फेटीग एंड मिलीज. अब जनरल सिम्टम्स इसमें क्या हो जाते हैं, और फेटीग यानी थकावट, जिसम में थकावट, और मलीज जो होता है बेचैनी को कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है यूजली प्रेजेंट विद इनसाइडस ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस इन दिस स्मॉल जॉइंट्स. स्मॉल जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस होती है हैंड्स एंड फीट, विच इवेंचुअली लीड टू बायलेटरल सिमेट्रिकल पेरिफेरल पॉली आर्थराइटिस. इन 25% ऑफ केसेस इट प्रेजेंट्स मोनो आर्थराइटिस सच एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन नी जॉइंट. ठीक है, नॉर्मली तो ये कि स्मॉल जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, लेकिन मोनो आर्थराइटिस के अंदर सिंगल नी जॉइंट पे इफेक्ट करता है. अब टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट इनसाइडसली विद फटीग. इनको फटीग होती है. ठीक है, जर्नलाइज्ड वीकनेसेस एंड वेग मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम फॉर वीक्स और मंथ्स एंड द पेन. यानी इनका मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम भी इफेक्ट होता रहता है जो वीक से लेके मंथ से लेके मंथ तक जो है वो पेन में रहता है. फिर स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड ब्रेस्ट.
अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यही है कि हैंड्स और रिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं इसके अंदर। द डिज़ीज़ फॉलो द रेमिटिंग एंड द रिलैप्सिंग कोर्स ओवर मैनी ईयर्स। इट मे बी सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स डेवलप मोर जॉइंट डैमेज। सीरो पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं वो उनके अंदर जॉइंट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सीरो नेगेटिव पेशेंट्स के अंदर जो है वो बहुत कम पेन होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं, अभी डायग्राम बहुत छोटी हो गई है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आर्थराइटिस के फीट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं साइंस पे। स्वेलिंग, सॉफ्ट स्वेलिंग कॉज बाय इफ्यूजन और सैनोवियल प्रोलिफरेशन। ठीक है, वार्म्थ यानी गर्मी से। टेंडरनेस ऑन प्रेशर और मूवमेंट, प्रेशर या मूवमेंट से टेंडरनेस होती है। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट विद मसल्स, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट विद मसल्स। ठीक है, वेस्टिंग अराउंड अफेक्टेड जॉइंट्स यानी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं अफेक्टेड जॉइंट्स। डिफॉर्मिटीज अकरिंग इन द लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज। सबकुटेनियस नोड्यूल्स मोस्टली सिचुएटेड। ठीक है, सबकुटेनियस नोड्यूल्स मोस्टली सिचुएटेड यानी सबकुटेनियस कहते हैं कि जो है स्किन के ऊपर जो है वो नोड्यूल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये एक डायग्राम देखें, ये है डायग्राम जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसमें अब आप गौर से देखें कि फिंगर के जॉइंट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हुए हैं और साथ साथ रिस्ट भी अफेक्ट हुई भी है। तो ये जो है ये क्लासिकल साइन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर काम करती हैं, जिसमें सबसे पहले आगे हमारे पास आ जाती है रस्टॉक्स, फिर उसके बाद ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, लेडमपाल, पल्सटेला, काल्मिया, सिमेसिफ्यूगा, कोल्चिकम, सेंगुनेरिया और केलकेरिया काब। अब इन 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 जो रेमेडीज़ हैं इनके बारे में हम जो है उर्दू में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो जो है ठीक है, ये आ गई रूमेटिज़म। ठीक है, रूमेटिज़म आ गई। अब सबसे पहले आ गई रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दर्दों की वजह से बेचैनी और हिलते जुलते रहने की ख्वाहिश, यानी मरीज़ हिलता जुलता रहता है, मरीज़ आराम से नहीं लेट सकता। जैसे पहले भी हमने वो किया है कि वो लेटता है तो उसको दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। पसीने की हालत में जबकि जिस्म गर्म हो, सर्द मरतूब हो, अलग जाने से बाय की दर्दें शुरू हो जाना। पहली हरकत ज़रूर तकलीफ़ दे होती है। ठीक है, पहली हरकत तकलीफ़ दे होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो मूवमेंट करना शुरू करता है, हरकत से सुकून मिलता है और गर्मी से आराम, सर्दी से तकलीफ़ का बढ़ना। दूसरी है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जोर सूजे हुए और सुर्ख, हरकत से तकलीफ़ का बढ़ना अव्वल नंबर की अलामत है।
चुपचाप पड़े रहने से सुकून, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ब्रायोनिया के अंदर जोड़ सूजे हुए होते हैं, सुर्ख होते हैं, और उसके अलावा हरकत से तकलीफ़ का बढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद कास्टिकम, कास्टिकम सर्द खुश्क हवा लगने से बाई की दर्दें, ठीक है। इस सर्द हवा लगने से बाई की दर्दें होती हैं, जोड़ों की मिलना में कच्ची हुई मालूम होती है, और अज़ा कच्छ को बदवज़ा हो जाते हैं। गर्मी से आराम मिलता है इनको। लेडमपाल, नेक्स्ट रेमेडी, फोर्थ रेमेडी है लेडमपाल। ये छोटे छोटे जोड़ों की खसूस दवा है। दर्दें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को चलती हैं। बिस्तर की गर्मी से दर्दें तेज़ होती हैं। अब आप इसके अंदर हर तकरीबन 95 रेमेडी इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बिस्तर से दर्द का एहसास बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाती है पल्सटेला। चलती फिरती दर्दें ख़ास तौर पर पल्सटेला को तलब करती हैं। गर्मी से तकलीफ़ का बढ़ना, ठीक है, गर्मी से तकलीफ़ का बढ़ना होता है। सर्दी से आराम और शाम को अलामात की ज़्यादती पल्सटेला की तस्दीक करने वाली अलामात हैं। अब इसमें भी देखें कि शाम के वक्त, जब शाम का वक्त आता है तो पल्सटेला के अंदर जो है क्या कहते हैं कि दर्द की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कालमिया। कालमिया जो है दर्दें लेडम के ख़िलाफ़ ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं। अच्छा, लेडम पाल हमने पढ़ा था, ये छोटे छोटे जोड़ों को खसूसी दवा की खसूसी दवा है। दर्दें हमेशा नीचे से ऊपर को चलती हैं, जबकि कालमिया में दर्दें लीडम लीडम के ख़िलाफ़ ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, ठीक है। सिमिसिफ्यूगा, सेवेंथ नंबर, सिमिसिफ्यूगा जो है औरतों में रहम की तकालीफ और बाई की दर्दें मिलकर पहले नंबर पर इस दवा को तलब करें, ठीक है। कॉल्चिकम, खाने की बू तक से शदीद नफ़रत। कैप्सिकम के मरीज़ को खाने की बू तक किससे जो है शदीद नफ़रत होती है। खाने के ख्याल से भी मतली और कहो इस यानी उनको मतली होती है, उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, कहाँ गया मेरा, हाँ। इस दवा में हाई दर्दों के साथ इंतहाई कमज़ोरी और शाम को तकलीफ़ में इजाफा होता है। यहाँ पर भी देखें, शाम को तकलीफ़ में इजाफा होता है। खाना ये बंदा खाता नहीं कैप्सिकम का, तो कमज़ोरी भी होती है और शाम में तकलीफ़ में इजाफा होता है। सेंगुनेरिया, दाएं कंधे का दर्द जो दाएं हाथ में भी मालूम हो, ठीक है। दाएं कंधे का दर्द जो दाएं हाथ में भी मालूम हो। कैल्केलिया कार्ब, पानी में काम करने से दर्दों का पैदा होना जबकि रस्टॉक्स फेल हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पानी में काम करने से दर्दों का पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है आखिरी रेमेडी हमारी, 11, रेमेडी नंबर 11, फॉर्मिक एसिड। अकड़े हुए सख्त जोड़ों के लिए दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी जोड़ जो है अकड़ जाते हैं उनके लिए दिन में 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। एक चीज़ आखिर याद रखिएगा कि हमने जितनी 95% रेमेडीज़ पढ़ी हैं
उसमें शाम के वक्त या रात के वक्त तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोशिश करूँगा मैं और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आऊँ, तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।